हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं NL वर्सेस NLS टीम के बारे में। मैच स्टार्ट होने में अभी भी 17 आवर्स 6 मिनट्स हैं। इंडिया का टाइम का अनुसार देखा जाए तो कल दोपहर को 12 बजे को मैच स्टार्ट होगा। पिच के बारे में बात करें तो ये पिच बैलेंसड पिच है, और एवरेज स्कोर के बारे में बात करा जाए तो 130 से 140 का बीच में स्कोर बनेगा, और ये पिच फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाय मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरा टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो आप टेलीग्राम में जाकर @jhofantasy सर्च करते ही मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। इस तरह सर्च करते ही मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट बनाया दोस्तों, इस दोनों अकाउंट में अब भूल से भी ज्वाइन मत करना। आपको ये फेक टीम देगा और ये फेक अकाउंट भी है, जिसमें आपको 1077 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वायलेट कलर का JF है दोस्तों, उसी पर अब ज्वाइन करना। इसी तरह मैं आपको फाइनल टीम दूंगा लाइनअप अनाउंस होने के बाद। जो मैं आपको टीम दूंगा हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में ट्राई करेंगे तो 100% विन होंगे। अब तक आपका जितना लॉसेस हुआ वो मेरा टेलीग्राम चैनल कवर करवा देगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और फाइनल टीम का नीचे मैं दो लिंक प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों, एक है माई मास्टर 11 का, दूसरा है कुबरा का। दोस्तों दोनों ऐप कमाल के हैं, दोनों में लो कॉम्पिटिशन होता है, दोनों आप मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं। पहला वाला दोस्तों माई मास्टर 11 का, माई मास्टर 11 एक न्यू ऐप है, इसमें लो कॉम्पिटिशन होता है, मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं। और दूसरा वाला दोस्तों कुबेरा के बारे में सब लोग जानते हैं दोस्तों, कमाल का ऐप है, इसमें भी लो कॉम्पिटिशन था, इसमें भी मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं। इसी तरह आपको DOU का टीम भी मिलेगा दोस्तों, इसमें भी आप इजीली से मनी अर्न कर सकते हैं। चलिए दोस्तों लेट नहीं करते हैं, वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहले विकेट कीपर के बारे में बात करा जाए तो मैंने एक विकेट कीपर को पिक करूंगा, ए राज को दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है दोस्तों, इनको 100% पिक कर लेना। इनका पॉइंट भी देख सकते हो, 143 पॉइंट्स है दोस्तों। लास्ट मैच राज ने 10 बॉल में 17 रन मारा था दोस्तों, लास्ट मैच 17 रन मार पाए दोस्तों, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। मैंने विकेट कीपर में एक विकेट कीपर को पिक कर लिया हूँ, उनका स्टैट्स भी बता दिया हूँ। अब बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने जे नागस को पिक करूँगा, वी सिंह को और एस बिलान को और एन पंचाल को दोस्तों। पूरा मैंने 4 बैट्समैन को पिक किया, चारों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन, अब चारों को 100% पिक कर लेना। चारों बैट्समैन का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें जाए तो जे नागस ने लास्ट मैच 5 गेंदों में 9 रन मारा था, सो लास्ट मैच 9 ही रन मार पाए दोस्तों, लेकिन बॉलिंग कमाल का किया, 4 ओवर डाल के 2 विकेट लिया दोस्तों, कमाल का बॉलर है ये लास्ट मैच में। और वी सिंह के बारे में बात करें तो वी सिंह ने लास्ट मैच में 30 गेंदों में 5 रन मारा था दोस्तों, 4 ओवर डाल के 3 विकेट लिया दोस्तों, बॉलिंग तो लास्ट मैच में कमाल की है वी सिंह ने, 4 ओवर डाल के 3 विकेट लिया दोस्तों। और ए बिलान के बारे में बात कर जाए तो ए बिलान ने लास्ट मैच में 6 गेंदों में 1 रन मारा था। और एन पंचल के बारे में बात कर जाए तो एन पंचल को लास्ट मैच 2 गेंदों में 4 रन मारा था दोस्तों। मैंने बैट्समैन में 4 बैट्समैन को पिक किया है, चारों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन, अब चारों को 100% पिक कर लेना। मैंने चारों बैट्समैन का स्टैट्स भी बता दिया हूँ। अब ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने एम अलम्स को पिक करूँगा, एफ शेर और पी शर्मा को। पूरा मैंने 3 ऑलराउंडर्स को पिक किया है, तीनों ऑलराउंडर्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तीनों को 100% पिक कर लेना। तीनों ऑलराउंडर्स का लास्ट मैच का स्टैट्स के बारे में बात करें तो एम अलम्स ने लास्ट मैच में 33 बॉल्स पर 49 रन मारा था दोस्तों, और 1 ओवर डाल के 2 विकेट लिए हैं, 49 रन प्लस 2 विकेट लिए, सो कमाल का बैटिंग केयर, कमाल का बॉलिंग भी। और टी शेर के बारे में बात करें तो टी शेर ने लास्ट मैच 10 गेंदों में 16 रन मारा था दोस्तों, और 2 ओवर डाल के 1 विकेट लिए, 16 रन प्लस 1 विकेट लिया है। और पी शर्मा के बारे में बात करें तो पी शर्मा ने लास्ट मैच में 23 बॉल्स पर 41 रन मारा था दोस्तों, और 1 ओवर डाल के 2 विकेट लिया दोस्तों। पी शर्मा ने भी लास्ट मैच 41 रन प्लस 1 विकेट 2 विकेट लिया दोस्तों, कमाल का बैटिंग किया, कमाल का बॉलिंग भी। ये तीनों ऑलराउंडर्स ने लास्ट मैच कमाल का बैटिंग किया, कमाल का बॉलिंग भी, तीनों ऑलराउंडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स, अब तीनों को 100% पिक कर लेना। अब बॉलर्स
बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने सिकंदर को पिक करूंगा और वी पटेल को और यू मलिक को। दोस्तों पूरा मैंने तीन बॉलर्स को पिक किया है, तीनों बॉलर्स कमाल का बॉलर्स, अब तीनों को 100% पिक कर लेना। तीनों बॉलर्स का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें जाए तो सिकंदर के बारे में बात करें तो सिकंदर ने लास्ट मैच 4 गेंदों में 2 रन मारता दोस्तों और 2 ओवर 3 बॉल डाल के 1 विकेट लिया। सिकंदर इंपॉर्टेंट बॉलर है। और वी पटेल के बारे में बात करें तो वी पटेल ने लास्ट मैच में 3 ओवर डाल के 3 विकेट लिया दोस्तों। वी पटेल ने भी लास्ट मैच कमाल का बॉलिंग किया, 3 ओवर डाल के 3 विकेट लिए। और यू मलिक के बारे में बात करें तो यू मलिक ने लास्ट मैच में 2 गेंदों में 0 रन दोस्तों, लास्ट मैच में डक आउट हो गया दोस्तों, लेकिन इनको बॉलिंग में भी चांस नहीं मिला। लेकिन यू मलिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर है, यू मलिक को 100% पिक कर लेना। मैंने बॉलर्स में 3 बॉलर्स को पिक कर लिया, उनका स्टैट्स भी बता दिया हूँ। अगर विकेट कीपर में देखा जाए तो मैंने 1 विकेट कीपर को पिक किया हूँ, बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने 4 बैट्समैन को पिक किया और ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो मैंने 3 ऑलराउंडर्स को पिक किया और बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने 3 बॉलर्स को पिक किया। पूरा मैंने 11 प्लेयर्स को पिक कर लिया, उनका स्टैट्स भी बता दिया हूं। अब कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बात करा जाए तो मैंने कप्तान में बनाऊंगा वी सिंह को और वाइस कैप्टन में एम अलम्स को। दोस्तों एक बार मेरे टीम को देख लीजिए, मेरे विकेट कीपर में 1 विकेट कीपर को पिक किया ए राज को और बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने 4 बैट्समैन को पिक किया जे नागस, वी सिंह, ए बिलान और एन पंचल को। और ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने 3 ऑलराउंडर्स को पिक किया, एम अलम्स, पी शर्मा और एस शेर को। और बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने 3 बॉलर्स को पिक किया, वी पटेल, सिकंदर को और यू मलिक को। दोस्तों मैंने कप्तान में बनाया वी सिंह को और वाइस कैप्टन में एम अलम्स को। दोस्तों मेरा कोई फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको लाइनअप अनाउंस होने के बाद मेरे टेलीग्राम में मिलेगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको ये टीम दिखाई दे रहे हैं आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट में आप 100% विन होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।